हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। विनय शर्मा जो कि मार्केट एनालिस्ट है, उनकी तरफ से यहाँ पे बैंकों के ऊपर काफी बड़ा बयान आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करें तो सरकारी बैंकों के ऊपर उनका यहाँ पे मानना है कि जो बैंकों ने काफी अच्छी दौड़ लगा ली है, जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक साल की बात करें मतलब कि 2022 की बात करें तो 108% के रिटर्न, बैंक ऑफ इंडिया ने 64%, केनरा बैंक 60% के आसपास और यूको बैंक भी 60% के आसपास ऑलरेडी भाग चुका है। यहाँ पे बात करें बाकी बैंकों की तो पीएनबी भी अच्छा दौड़ लगाता हुआ दिखाई दिया है 36%, एसबीआई 32%, पंजाब एंड सिंध बैंक 31% और सेंट्रल बैंक 18% यहाँ पे जो रिटर्न है ईयर टिल डेट में देने में कामयाब हुए हैं। प्राइवेट बैंकों की बात करें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों की तुलना में काफी ज्यादा महंगे हैं। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो वैल्यूएशन 3.4 टाइम्स है, एक्सिस बैंक 2.1 टाइम, इंडसइंड बैंक 1.8 टाइम, कोटक बैंक की बात करें 3.7 टाइम, एचडीएफसी बैंक की बात करें 3.5 टाइम, एसबीआई 1.6 टाइम और बैंक ऑफ बड़ौदा तो अभी 0.9 टाइम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। उनका ऐसा मानना है कि काफी यहाँ पे जो बैंक है उनके सीनियर मैनेजमेंट के अच्छे यहाँ पे जो है कमेंट्री आ रही है। जैसे कि एक्सिस बैंक की बात करें तो मार्च 2020 के बाद काशा रेशियो में 6.5% की बढ़ोतरी दिखाई दी है। और यहाँ पे बात करें एसबीआई के चेयरमैन की तो उनकी तरफ से भी काफी अच्छी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो क्रेडिट कॉस्ट में 0.25% यहाँ पे घटने की गाइडेंस उनकी तरफ से भी आई है और पीएनबी की तरफ से भी मार्जिन अच्छे रहने की उम्मीद बताई गई है। और यहाँ पे 15% का लोन ग्रोथ उनके मैनेजमेंट के द्वारा भी बताया गया है। तो विनय शर्मा का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली अभी भी आपकी नजर होनी चाहिए, परंतु डिक्लाइन में बाय करने के लिए उन्होंने बोला है और बैंक निफ्टी आगे भी धमाका करती हुई नजर आएगी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, तो मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।